गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. इन मैथ्स टुडे वी विल डू आर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2. आर फर्स्ट सम इज अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. द नंबर ऑफ टिकेट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. इस समय में क्या बोल रहा है कि रजे एक बुक एग्जीबिशन हेल्ड हुआ था एक स्कूल में. उन्होंने कुछ टिकट्स को सोल्ड किया था. 4 days का एग्जीबिशन था. फर्स्ट डे उन्होंने 1094 टिकट सोल्ड की थी. सेकेंड डे उन्होंने 1812 टिकट सोल्ड की. थर्ड डे में 2050 टिकट सोल्ड की और फोर्थ डे में 2751 टिकट जो है वो सोल्ड हुई. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days. हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल 4 days में कितनी जो टिकट्स हैं वो सोल्ड हुई. फर्स्ट वी विल राइट नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई थी, 1094. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे. सेकेंड डे कितनी टिकट सोल्ड हुई थी, 1812. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे. थर्ड डे कितनी टिकट सोल्ड हुई थी, 2050. एंड फोर्थ डे कितनी टिकट सोल्ड हुई थी, 2751. नाउ वी हैव टू फाउंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. तो वी विल राइट हियर टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एंड वी विल पुट द साइन ऑफ एडिशन एंड वी विल सिंपली एड. एड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स. क्लियर. आर सेकेंड सम इज शिखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस. ही विश टू कम्प्लीट 10,000 रन्स. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. सेकेंड सम में क्या बोल रहा है कि शिखर क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. उसने जितने टेस्ट मैच में अभी तक 6980 रन्स जो है उसने स्कोर कर लिए. Now he wish to complete 10,000 runs. Means उसकी जो wish है वो कितने runs को complete करना चाहता है, 10,000 runs he want to complete. How many more runs does he need? अब वो पूछ रहे हैं कि उसको कितने runs और चाहिए. मीन्स उसे कितने रन्स और चाहिए. ही विश टू कम्प्लीट 10,000 रन्स. अभी तक उसने कितने स्कोर किए रन्स को, 6,980. तो वट वी विल राइट हेयर, वी विल राइट शिखर विश टू कम्प्लीट रन्स 10,000 राइट करेंगे हेयर. हिज स्कोर इज, उसका अभी तक कितना स्कोर है, 6,980. नाउ वी विल फाइंड मोर रन्स ही नीड. तो वी विल राइट हेयर मोर रन्स ही नीड. वी विल पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट. 0 - 0, 0, 0 - 8 नॉट पॉसिबल. देन वट वी विल डू, विल टेक बोरो. Here 9, 9 and 0. 9 - 8, 2. 9 - 9, 0. 9 - 6, 3. And 0 - 0, 0. More runs he need, 3020. Okay. Now our third sum. In a election, the successful candidate register 577,500 votes, and his nearest rival scored 348,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? थर्ड सम में क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन में एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसके मतलब उसके कितने वोट्स हैं, 577,500, और जो उसका नियरेस्ट रिवल मींस जो उसकी अपोजिट पार्टी है उसके कितनी वोट्स हैं, 348,700. अब वो पूछ के आ रहा है बाय व्हाट मार्जिन डिड दिस सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उससे इलेक्शन जीत जाएगा, मीन्स उसके कितने वोट्स उससे ज्यादा हैं. तो देखिए हम क्या राइट करेंगे, वी विल राइट हेयर नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट. कितने उसके वोट्स हैं, 577,500. नाउ वी विल राइट नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय राइवल, उसकी जो अपोजिट पार्टी है उसके कितने वोट्स हैं, 348,700. अब हमें बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने इलेक्शन से विन कर रहा है. तो वी विल राइट सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन इलेक्शन बाय, कितने इलेक्शन से वो जीत रहा है इलेक्शन. तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. वी विल पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड वी विल सिंपली कट. ओके,
Now sum number fourth. Sum number fourth is Kirti Bookstores sold books worth ₹2,85,891 in first week of the June and books worth ₹4,768 in second week of the month. How much was the sale of the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? फोर्थ सम में क्या बोल रहा है कि जो कीर्ति बुक स्टोर्स हैं उन्होंने जून के फर्स्ट वीक में इतने रुपीस की बुक्स को सोल्ड किया और सेकंड वीक में उन्होंने इतने रुपीस की बुक्स को सोल्ड किया. अब उन्होंने यहाँ पे टू क्वेश्चन अराइज किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बोलता है, हाउ मच वॉज दी सेल फॉर टू वीक्स टुगेदर, मीन्स दोनों वीक्स की टुगेदर उनकी कितनी सेल थी. सेकेंड क्वेश्चन वो क्या अराइज करता है, इन विच वीक वॉज दी सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और कौन से वीक की जो सेल थी वो ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी. हमें इसमें टू क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं. तो फर्स्टली व्हाट वी विल राइट हियर, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक में उसने कितनी बुक सोल्ड की थी, रुपीज 2,85,891. सेकेंड वीक में उसने कितनी बुक सोल्ड की थी, रुपीज 4,768. उसने क्या किया, इतनी जो बुक्स हैं इतनी रुपीज की बुक्स उन्होंने टू वीक्स में सोल्ड की. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही अराइज था कि उन्होंने टोटल बुक्स दोनों वीक्स में कितनी सोल्ड की. तो वी विल राइट हियर टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, वी विल पुट द साइन ऑफ एडिशन एंड वी विल सिंपली एड. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. अब उसने पूछा था कि उसने कौन से वीक में ज्यादा बुक सोल्ड की और कितनी ज्यादा की. तो अगर मैं क्या करूं, सेकेंड वीक में देखो वैसे तो हमें पता चल रहा है फर्स्ट वीक में उन्होंने 2,85,891 रुपीस की बुक सोल्ड की थी, बट सेकेंड वीक में उन्होंने 4,768 रुपीस की जो बुक सोल्ड की थी सेकेंड वीक में ज्यादा की थी. अगर मैं सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक की बुक्स को कट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कितनी ज्यादा सोल्ड की उन्होंने. तो वी विल राइट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक. सेकेंड वीक में उन्होंने कितनी बुक सोल्ड की हैं, रुपीज 4,768. नाउ वी विल राइट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक में उन्होंने कितनी की थी, रुपीज 2,85,891. मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक. हमें इतना तो पता है कि सेकेंड वीक में उन्होंने बुक ज्यादा सोल्ड की थी, कितनी ज्यादा की थी. तो वी विल राइट हियर मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक. तो वी विल पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड वी विल सिंपली कट. तो हमारे कट करने पर आंसर आ गया 1,14,877 मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक बाय 1,14,877. नाउ आवर फिफ्थ सम इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फाइव डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन बाय यूजिंग दिस डिजिट ईच वंस ओनली. मीन्स क्या बोल रहा है कि मुझे डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट के बीच में, और मुझे ये डिजिट्स दिए हुए हैं कि आपको इन्हीं डिजिट से पहले आपने क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, फिर आपने लीस्ट लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, और जो डिजिट आपको गिवन है ना इनको रिपीट नहीं करना और उनका आपको डिफरेंस बताना है. तो फर्स्टली वी विल राइट ग्रेटेस्ट नंबर. तो इन्हीं डिजिट से देखिए डिजिट कौन से हैं, 6, 2, 7, 4, 3. तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट नंबर ऐड करूंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7, देन 6, देन 4, देन 3 एंड देन 2. तो ग्रेटेस्ट नंबर इसका क्या बन जाएगा, 76,432. तो इसी डिजिट्स को रिपीट करके हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है. तो इसका अपोजिट इसका स्मॉलेस्ट हो जाएगा राजी 4, 6, 7. तो ये हो जाएगा 23,467. अब मुझे इसका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस में हम क्या आप कहते हैं कट. तो वी विल राइट हियर डिफरेंस एंड वी विल पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. बस हमें इसमें डिफरेंस ही बताना था. ओके नाउ आवर सिक्स्थ सम, अ मशीन On an average manufactured 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? क्या बोल रहा है शिक्षा में कि एक मशीन है जिसकी एवरेज मतलब उसकी जो मशीन है ना मशीन की एवरेज कितनी है कि वो वन डे में 2,825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है मीन्स बनाती है. मशीन की एवरेज बता रहा है वो वन डे की, वन डे में वो 2,825 स्क्रूज क्या करती है बनाती है. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 मीन्स वो क्या बोल रहा है कि जनवरी के मंथ में वो कितनी जो स्क्रूज है वो बनाएगी. तो वी नो दैट जनवरी हैज 31 डेज
31 डेज होते हैं ना जनवरी में, तो व्हाट वी विल राइट हियर, हमें वन डे की प्रोडक्शन गिवन है कि वन डे में वो मशीन है वो कितने स्क्रूज बनाती है इतने, तो 31 डेज की हमें फाइंड आउट करनी है, ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई. तो व्हाट वी विल राइट फर्स्टली, जनवरी हैज 31 डेज. वी नो दैट कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं. तो अ मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रू इन अ डे, वन डे में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है वो, 2825. अब हमें फाइंड आउट कितना करना है, 31 डेज का फाइंड आउट करना है. वन डे का मुझे गिवन था, 31 डे का फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 2825 को 31 से क्या कर दूंगी, नॉर्मली मल्टीप्लाई. आपने मल्टीप्लाई शो करनी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा रजे, 87575 स्क्रू मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, टुडे वी विल डू ओनली 6 सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सम्स यू कैन आस्क टू मी.